एशिया की सबसे टॉप मंडी में शुमार जावरा की शहीद नरेंद्र सिंह चंद्रावत कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात हुई, जिसमें मंडी के लाइसेंसी व्यापारी के अनाज प्लेटफॉर्म में रखे ड्रम का चिमटा तोड़कर बदमाश उसमें रखे नोटों से भरा बैग पल भर में उड़ा कर ले गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे में 3 बदमाश चोरी कर बाइक से जाते हुए नजर आए। वारदात के बाद व्यापारी ने औद्योगिक क्षेत्र थाना पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच मंडी में लाइट बंद होने से सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मंडी के भाग्यलक्ष्मी फॉर्म के संचालक राकेश ओरा द्वारा बताया गया है कि अरनिया पिता मंडी में अनाज के प्लेटफॉर्म पर सभी व्यापारियों ने अपने अपने ड्रम रखे हैं, जिसमें वह कागजात व नोट रखते हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने ड्रम में 7 लाख रुपए से भरा नोटों का बैग रखा था और ऊपर से ताला लगाया हुआ था। वहीं दोपहर 2 बजे बाद जब उसने आकर देखा तो ड्रम का ताला व चिमटा टूटा हुआ मिला और नोटों से भरा बैग गायब मिला, जिसकी शिकायत तत्काल पुलिस थाने पर दी। सूचना मिलते ही CSP दुर्गेश एवं थाने के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश मेहरा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं मंडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करने गए तो यह बात सामने आई कि दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच लाइट बंद होने के चलते कैमरे बंद थे, जिसके कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ऐसे में इन्वर्टर नहीं होना मंडी प्रशासन की गोल लापरवाही को उजागर करता है। मैं हूं पवन धाकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क वॉइस ऑफ एमपी। आज हम पहुंचे हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाली अरनिया पिता मंडी में, जहां कल लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि सोयाबीन व्यापारी के यहां कल 7 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया गया है। अंजाम करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की पूरी घटना बताई जा रही है। प्लेटफॉर्म के नीचे रखे ड्रम में करीब 7 लाख रुपए की राशि रखी गई थी, जो वहां से कुछ ही पल में सातिर चोर उड़ा ले गए। जब इसकी सूचना व्यापारी को मिली, तत्काल व्यापारी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को जानकारी दी, जिसमें CSP दुर्गेश आर्मो और पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे और जांच कर रहे। वहीं CCTV फुटेज भी जांचे गए, जिसमें 3 संदिग्ध आरोपी नजर आए। देखते हैं आगे पुलिस क्या कुछ करती। कल शाम लगभग 5 बजे दिनांक 6 अक्टूबर को सूचना मिली थी अपने अभी मंडी में भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स के जो संचालक राकेश जैन जी, वो भी सोयाबीन का व्यापार करते हैं, उनके द्वारा जो है लगभग 7 लाख रुपए जो है किसी अपने गल्ले के पास में कोई ड्रम था उस पर रखे हुए थे। और लगभग आधे घंटे बाद जब वो पहले 2:30 बजे छोड़ के गए थे और उसके लगभग आधे घंटे बाद जब वो आए तो उस समय तक वो स्थिति में वहाँ पर वो पैसे नहीं थे। और इसमें जो है हम लोग ने प्राथमिक रूप से जो वहाँ पर CCTV कैमरा से या जो अन्य लोग थे उनसे पूछताछ की, कुछ संदिग्ध लोग हम लोगों ने चिन्हित किए हुए हैं और उन्हीं को हम लोग जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, CCTV फुटेज में कुछ जो है संदिग्ध लोग दिखे हुए हैं मोटरसाइकिल में, जो कि वहाँ पर लगातार जो बने हुए थे, लेकिन जो है इसमें हम लोग अभी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, पुलिस पूछताछ भी कर रही है। हम लोग इसमें सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।